नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का महीना माना जाता है। सावन के महीने के अंदर उन किसी प्रकार का पूजा पाठ आदि करते हैं और किसी प्रकार का उपाय आदि करते हैं तो दोस्तों साक्षात भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों, भगवान तुरंत और तात्काल प्रसन्न वाले देवता है, इसीलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है। आज हम आपको भगवान को जगाने वाली ऐसी सामग्री के बारे में बताएंगे जो दोस्तों सावन शुरू होने से पहले अपने घर के अंदर लेकर आ जाएं और अपने घर के अंदर स्थापित कर दें, ताकि सावन के अंदर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर उसका योगदान बना रहेगा। दोस्तों, सबसे पहली ये चीज है जल। दोस्तों, वैसे तो जल हर घर के अंदर होता है और जल के बिना व्यक्ति के जीवन में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, सावन से पहले ही आप क्या करें, घर के अंदर गंगा जल इकट्ठा करना शुरू कर दें। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल है और शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ नीला पड़ गया था। विष की उस संताप, उस गर्मी और उसकी ऊर्जा को देख कर शांत करने के लिए भगवान शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल से नहलाया और जल अर्पित किया था। इसलिए शिव पूजा के अंदर जल का विशेष महत्व रहता है। तो दोस्तों, आप क्या करें, सावन से पहले ही गंगा जल और सोने का पानी, अर्थात जिस पानी के अंदर सोना डुबाया होता है, वह पानी इकट्ठा कर ले और भगवान शिव की पूजा के अंदर इस्तेमाल करें। देखेंगे कि भगवान शिव आपके ऊपर कैसे प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, दूसरी चीज है, दोस्तों भगवान की तीन नेत्रों का प्रतीक बेलपत्र को माना जाता है। दोस्तों, सावन लगने से पहले आपके पास से जमीन अच्छी है, घर खलियान खेत आदि है, या फिर अपने घर के गमले के अंदर आप बेलपत्र के पौधे को अपने घर के अंदर स्थान दें। इसलिए दोस्तों, भगवान शिव के तीन नेत्रों का प्रतीक बेलपत्र ही, तीन पत्ती वाला बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। प्रभु भोलेनाथ की पूजन में अभिषेक एवं बेलपत्र का सबसे पहला स्थान माना जाता है। ऋषियों ने कहा है कि बेलपत्र भोले भंडारी को चढ़ाना 1 करोड़ कन्याओं को कन्यादान के बराबर फल का सवांग मिलता है। इसलिए दोस्तों, भगवान तीन शंकर तीन नेत्रों का प्रतीक बेलपत्र अब अपने घर के अंदर उगाते हैं तो इस सावन के अंदर दोस्तों समझ लीजिए कि आपके आने वाले जीवन के अंदर व्यारे न्यारे हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आपके पास भटकने का कार्य नहीं करती है। दोस्तों, सफेद आकृ, शास्त्रों के मुताबिक दोस्तों भगवान शिव की पूजा में एक आकृ का फूल चढ़ाना दोस्तों सहस्त्र गुना सोने के दान के बराबर फल देता है। और दोस्तों, आकृ का स्थान आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा माना जाता है। इसीलिए दोस्तों माना गया है कि साक्ष आपके अपने तांत्रिकली दोस्तों और आकृ दो प्रकार के होती हैं। एक तो दोस्तों गुलाबी रंग का आकृ, जिसे पिंक आकृ कहा जाता है, और एक सफेद आकृ। भगवान भोलेनाथ की पूजा के अंदर सफेद आकृ चढ़ाना उसका विशेष महत्व रहता है और सफेद आकृ का ही विशेष महत्व माना जाता है। तब आप क्या करें, भगवान भोलेनाथ की पूजा के अंदर आप सफेद आकृ का इस्तेमाल करें और सफेद आकृ आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ सावन के अंदर लगा लें, ताकि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे। दोस्तों, अगली चीज है धतूरा। भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे पुराणों में जहाँ धार्मिक कारण बताया गया है, वहीं इसका वैज्ञानिक आधार भी है। भगवान शिव जो कैलाश पर्वत पर निवास करते थे, यह ठंडा रहते हैं जहाँ ऐसे आहार और औषधि की जरूरत होती है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करे। इसी कारण दोस्तों भगवान शिव को धतूरा बहुत ज्यादा प्रिय था और इस समय भगवान शिव को भांग, धतूरा आदि पीने रहते। भगवान शिव पे केवल धतूरा ही नहीं चढ़ाएं, बल्कि मन और विचारों के करवाहट भी आप अपना अर्पित कर देते हैं, जिससे आपके जीवन के अंदर हमेशा सकारात्मकता और एकाग्रता रहता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर करवाहट समाप्त हो जाए तो दोस्तों भांग, भगवान शिव हमेशा दोस्तों भांग मग्न रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने के अंदर मददगार होता है, इसे हमेशा परमानंद में रहते हैं। समुद्र मंथन से निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले के अंदर उतार दिया। भगवान को औषधि भांग दी गई
लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और नकारात्मकता को आत्मसात किया, इसलिए भांग भी उन्हें प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है, इस संसार के अंदर व्यापक बुराई और नकारात्मक चीज को अपने भीतर ग्रहण करके अपने भक्तों को इस विश्व रूपी संसार से रक्षा करते हैं। दोस्तों इस तरह कपूर, दोस्तों भगवान शिव का प्रिय मंत्र है कपूरे गौरम करुणा अवतारम, यानी कि कपूर के समान उज्जवल और कपूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाता है। भगवान भोलेनाथ के इस महत्व से प्यार और अंतिम कपूर की पूजा की जाना और आप अनिवार्य माना जाता है। तो आप भगवान सावन के अंदर भगवान शिव की पूजा करना चाहते हैं तो अपने घर के अंदर आप कपूर की व्यवस्था कर लीजिए और कपूर को अपने घर के अंदर रख लीजिए ताकि आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आए। दोस्तों अगली चीज है दूध। दोस्तों भगवान सावन मास के अंदर दोस्तों ऐसे तो दूध का सेवन निषेध माना गया है, क्योंकि दोस्तों इससे दूध इस मास के अंदर स्वास्थ्य के लिए हिमकार की बजाय हानिकारक हो सकता है। इसलिए दोस्तों सावन मास में सेवन ना करते हुए भगवान शिव को अर्पित करने का विधान बताया गया है। तो आप भी अपने पूजा के अंदर भगवान भोलेनाथ की पूजा करने वाली हैं तो पूजा के अंदर दूध जरूर शामिल करें और शिवलिंग पर दूध अर्पित करें ताकि आपको धन लाभ प्राप्त हो। दोस्तों चावल, दोस्तों कई देवी देवताओं की पूजा के अंदर चावल परम बढ़ता है और लेकिन कभी देवताओं के अंदर चावल नहीं चढ़ाया जाता है। दोस्तों चावल को अक्षत्य भी कहा जाता है, अक्षत्य के अर्थ होता है जिसका कभी भी स्वयं नहीं, जो टूटा ना हो, इसका रंग सफेद होता है और पूजन के समय अक्षत का प्रयोग अनिवार्य होता है। किसी भी पूजन के समय गुलाल अबीर हल्दी और कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत अर्थात चावल चढ़ाए जाते हैं। अगर अक्षत ना हो तो शिव की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इसलिए ध्यान दें, भगवान शिव की पूजा में अक्षत सामग्री अनुकूल हो, योज में आप चावल भी चढ़ाए जाती हैं तो चावल अपने पूजा के घर के अंदर इस्तेमाल जरूर करें और चावल के अंदर लाकर स्थान दें ताकि भगवान भोलेनाथ की संपूर्ण भक्ति का लाभ आपको प्राप्त हो। दोस्तों अगली चीज है चंदन। दोस्तों चंदन का संबंध शीतलता से माना जाता है और भगवान शिव का मस्तक पर चंदन का त्रिपुर लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन के अंदर किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और खिल जाता है। यदि भगवान शिव को चंदन चढ़ाया जाए तो समाज के अंदर मान सम्मान यश बढ़ता है। दोस्तों भक्त चंदन चढ़ाता है उसके जीवन के अंदर धन धान्य रूपी खुशियां और अपने आप ही हर प्रकार के क्षेत्र के अंदर से तरक्की और लाभ मिलने की आशंका कई गुना तक बढ़ जाता है। दोस्तों अगली चीज है भस्म। इसका आज हम दोस्तों पवित्रता के अंदर छिपा है, वह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति के जली हुई चिता में खोजा है। इसे वह तन पर लगाकर उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते, उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख से उनके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता, न उसके दुख न उसके सुख और बुराई न ही उसकी अच्छाई बचती है, इसलिए वह राख बहुत पवित्र माना जाता है। तो बाप ही भगवान भोलेनाथ को भस्म चढ़ाते हैं तो दोस्तों भोलेनाथ असीम कृपा आपके कुंडली और आपके जीवन के अंदर देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगली चीज है रुद्राक्ष। भगवान शिव ने दोस्तों रुद्राक्ष की कथा पार्वती जी से कही। एक समय जब भगवान शिव जी ने 1000 वस्त्र समाधि लगाई तब समाधि पूर्ण होने पर उनका मन बाहरी जगत में आया। तब जगत की कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंख बंद कर दी और उनकी तभी नेत्र से जल की विद्यु से प्रतीप गिरी और उसी रुद्राक्ष अर्थात रुद्र की अक्ष रुद्राक्ष भगवान भोलेनाथ को कहा जाता है और अद्रक्षात आंसू आंसू की वृक्ष उत्पन्न हुए जो शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समृद्ध देश के अंदर फैल गए। उन वर्षों दोस्तों फल लगे हैं वही रुद्राक्ष कहा जाता है और दोस्तों रुद्राक्ष से भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आपके जीवन के अंदर मिलता है और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर हर क्षेत्र के अंदर आपको तरक्की प्राप्त होता है। दोस्तों सावन से पहले इन सामग्रियों को अपने घर के अंदर लेकर आ जाएं और प्रत्येक सावन के सोमवार को ये सामग्री आपको भोलेनाथ को अर्पित करनी चाहिए ताकि आपके जो रात दोगुनी रात गति वृद्धि देखने को मिले। उम्मीद है दोस्तों ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें शिवा लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।